हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं। टाइटल देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूं स्टेम सेल्स के बारे में और उसकी बैंकिंग के बारे में, किस तरीके से मतलब आप प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टेम सेल होते क्या हैं, क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, चार्जेस वगैरह क्या हो सकते हैं और आपको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्टेम सेल की प्रिजर्वेशन या बैंकिंग। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो लोग प्रेग्नेंट है या प्लानिंग टू कंसीव स्टेज पे है उन लोगों के लिए तो यूज़फुल है ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये टॉपिक एक ऐसा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। सो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर कर सकूं। सो इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जो भी देख रहा है पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बिकॉज इसमें आपका कोई टाइम, मेहनत, पैसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक शेयर करते हैं तो ये कुछ लोगों के बीच में ये वीडियो जो है अवेयरनेस फैला सकता है। तो मैंने अपनी कोशिश की इस वीडियो को बना करके, अब आप अपनी कोशिश कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। सो यस गाइज, आज के वीडियो में हम एक इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। सो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक स्टेम के जैसे बिहेव करते हैं, जो सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। जैसे कि हमारे पौधों में जो डालियाँ होती है उस पर वो रीजनरेशन होता रहता है, पत्तियाँ बहुत सारी आती है, फिर एक डाली से दूसरी डाली ऐसे करके बनता जाता है। तो ये एक उसी तरीके के सेल्स होते हैं। ये जो है अगर अच्छे से आप इसको प्रिजर्व करते हैं तो ये डेड नहीं होती हैं, और ये एक तरीके से आप समझिए जैसे प्लेन स्लेट होता है ना, उस पर आप जो भी लिख दीजिए, जो भी कलर कर दीजिए वो वैसा हो जाता है। ये उसी तरीके का सेल्स रहता है। ये जो सेल्स हैं ये फिलहाल कुछ एक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई सेल की रिक्वायरमेंट होती है, मैं भी आगे आपको समझाऊंगी कैसे, तो वो सेल्स में जब ये स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया जाता है या बॉडी में इन्फ्यूज़ किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो भी टर्म्स आप यूज़ करें, तो ये जो सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, वो आपकी बॉडी की जो भी कमी है उसको पूरा करने में ये कैपेबल होता है। इसलिए स्टेम सेल्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए रॉ मटेरियल है आपकी बॉडी के लिए कि जहाँ जो कमी हुई वहाँ पर ये पूरी कर देगा। ये उस तरीके की चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट इसका यही है। सो इसलिए स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मेन जो सोर्स है, जो रिच सोर्स है, जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में। जब बेबी डिलीवर किया जाता है तो उस टाइम पे जो कॉर्ड होती है, जैसे माँ और बच्चे दोनों कनेक्टेड होते हैं, वो जो कॉर्ड होती है उस पर आप देखा होगा कि कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ टिश्यूज़ तो नहीं लेकिन ब्लड तो आपने देखा ही होगा। तो वो जो ब्लड है या वो जो टिश्यू है उसके अंदर, वो उसके अंदर वो स्टेम सेल्स होती हैं। इसीलिए इसको रिमूव कर देते तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं ना उसमें, वो हमारी बॉडी के लिए कुछ भी उसको काम असाइन नहीं होता है, तो वो न्यूट्रल सेल्स होती हैं। तो इसीलिए अगर आप उसको फेंकने की बजाय अगर आप उसको स्टोर कर लेंगे तो वो इन फ्यूचर काम आ सकती हैं। तो अगर आप स्टेम सेल बैंकिंग करवाते हैं तो वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको ही सेव किया जाता है, उसमें जो भी ब्लड है या जो भी टिश्यूज़ है उनको वो लोग सेव कर लेते हैं, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर पावर होती है कि आप कि मतलब फ्यूचर में कभी भी कोई भी बीमारी ऐसी होती है जिसमें कि आपकी जो सेल्स हैं वो डेड होती जाती है, और इस वजह से आपकी जो हालत है वो सीवियर होती जाती है, तो वहाँ पर आप इस स्टेम सेल को यूज़ में ला सकते हैं। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप चाहें तो उसको प्रिजर्व करा सकते हैं। सो ये बेसिकली स्टेम सेल्स का काम होता है, और ये जो रीजनरेशन मेडिसिन का कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है वो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, बट ये इतनी रिसर्च जो है वो है, क्लियर है कि हाँ ये ऐसा काम करता है, काफ़ी हद तक ये चीज़ों को सॉल्व कर देता है, जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यस, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपको प्रिजर्व कराना चाहिए। तो अभी मैं बात करती हूँ कि इसको प्रिजर्व कराने से क्या फ़ायदा है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो गाइज, जो स्टेम सेल्स हैं इनका जो अभी तक रिसर्च हुआ है उसमें ये पाया गया है कि करीब 80 सीवियर बीमारियां हैं, 80 डिजीजेज ऐसी हैं जो कि बहुत ही सीवियर हैं, जिनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा टिपिकल डिफ़िकल्ट होता है। सो उनको ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, जैसे कि अल्जाइमर हो गया, या फिर ऑटिज़म हो गया, कैंसर हो गया, और पार्किंसंस हो गया, इस तरीके की जो भी आपने नाम सुनेंगे जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, उनको ट्रीट करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जिनमें भी आपको कोई आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, सेल्स डैमेज हो गई, ब्लड डैमेज हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उस पर ये काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है, और जो भी टेक्निक्स होती है मेडिकली वो यूज़ की जाती है, मतलब उसमें स्टेम सेल्स का इंपॉर्टेंट जो है वो आता है। और आपको पता है कि ये जो बीमारियाँ होती है ये आपको फिजिकली भी कितना वीक कर देती हैं, एंड साथ साथ आपको फिनेंशियली भी बहुत पैसे लगते हैं, सब कुछ होता है। सो और उस पर कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ, ये अगर आपके पास स्टेम सेल आपने प्रिजर्व करा रखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देता है आपकी जो भी डिजीजेस को रिकवर करने के लिए। तो चलिए अब मैं जान लेते हैं कि इसको प्रिजर्व कैसे करा सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है वो भी मैं बता देती हूँ।
तो इसके लिए कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना होता है, आपको जिस भी बैंक, इसके बारे में जब आप पता करेंगे तो बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल हैं जो कि स्टेम सेल बैंकिंग करते हैं। तो अगर आप उनसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस बैंक में है बैंकिंग करवानी है, स्टेम सेल को प्रिजर्व करवाना है, एंड वो लोग आपको जब आपकी डिलीवरी होगी तो वो आएंगे और आपका जो भी टिश्यूज़ एंड ब्लड है वो सब कुछ ले करके वो चले जाएंगे और प्रिजर्व हो जाएगा। तो मतलब ये 10-12 मिनट की ये प्रोसेस होती है और इसको मेडिकली मतलब कुछ कंडीशंस पे, कुछ टेम्परेचर एंड ऑल दैट जो भी मेडिकल कंडीशंस होती है उसके हिसाब से इसको स्टोर किया जाता है और ये आजीवन चलता है। मतलब पूरी लाइफ टाइम आपके साथ, ये जो आपने बैंकिंग कराई है लाइफ टाइम के लिए, आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम होती है तो ये स्टेम सेल्स जो हैं वो आप यूज़ में ले सकते हो। बात करते हैं कि ये क्या जिसका है स्टेम सेल सिर्फ वही यूज़ कर सकता है, तो नहीं। अगर आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी सेम फैमिली के लोग हैं, जैसे कि आपने बोन मैरो का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो वो सेम डीएनए से होता है, वैसे ही कुछ इसमें है कि अगर जो जिसका भी आपने, जिस बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड आपने स्टोर करवाया है, मीन्स स्टेम सेल अगर आपने प्रिजर्व करवाया है, तो उसके जो भाई बहन या जो क्लोज रिलेटिव हैं उनको ये ज़्यादातर काम कर ही जाता है, और बाकी भी पूरी फैमिली में भी कई लोग के ये काम आ सकता है, वो टेस्ट वेस्ट करते हैं जिसके साथ मैच कर जाए। बट ये ऐसा नहीं है कि जिसका आपने स्टोर कराया सिर्फ उसी के काम आएगा, आपकी फैमिली में कई भी कोई भी लोग जो हैं जिनके साथ भी मैच कर जाएगा वो सेल मतलब इंसर्ट कराना, तो वो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो एक्चुअली स्टेम सेल काम ऐसे करता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये रॉ सेल्स होते हैं, इनको कोई काम असाइन नहीं होता है, तो आप जो भी काम इनको असाइन कर देंगे डॉक्टर्स वगैरह इंसर्ट करके, तो ये वो काम करने लग जाते हैं। तो ये इसका एक जस्ट यू नो कैजुअल एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो चांसेस जो ज़्यादा हैं कि आपकी बीमारी को या आपकी बॉडी में सेट हो जाते हैं, उसके चांसेस इसलिए है क्योंकि ये आपकी बॉडी ने ही जनरेट किया है, कोई दूसरी बॉडी ने जनरेट नहीं किया है। तो इसलिए जब इसका ट्रांसप्लांटेशन आपकी बॉडी में किया जाता है तो आपकी बॉडी इसे फटाफट एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये जस्ट जा करके आपकी बॉडी में एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये समझिए आपकी बॉडी में जैसे ही आपने डाला तो ये एकदम, क्योंकि ये बॉडी का ही कभी पार्ट था, तो ये बॉडी बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपकी डिजीज़ होती है, उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर हम बात करें कि किसी को कैंसर है जिसमें कि कैमोथेरेपी हो रही है, रेडिएशन थेरेपी हो रही है, या और भी दूसरी डिजीज़ में भी कैमो एंड रेडिएशन वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि इतनी हीट इसलिए दी जाती है ताकि जो कैंसरस या फिर जो प्रॉब्लमेटिक सेल्स हैं उनको डेड किया जाता है, किल किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इतनी हीट से हमारी जो हेल्दी सेल्स होती हैं वो भी डेड हो जाती हैं। इसी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना वीक हो जाता है कि कितने लोग हैं जो कि वो ट्रीटमेंट झेल ही नहीं पाते हैं, तो वो झेल ही नहीं पाते तो ठीक कैसे होंगे, और कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है उनके अंदर, उनका इम्यून सिस्टम हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। बीमारी से तो वो ठीक हो जाते हैं बट उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर किसी ने अपना स्टेम सेल प्रिजर्व करा रखा है तो वो यू नो स्टेम सेल्स डाल दी जाती है जिससे कि हेल्दी सेल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और जो जो भी आपका प्रॉब्लमेटिक सेल है सिर्फ वो किल होता है, और एक दो हेल्दी सेल्स की क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है तो कुछ डेड भी हो जाती हैं, तो भी आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग करने में काफ़ी हेल्प करता है। आपका ब्लड है, आपका कोई ऑर्गन है, किसी भी तरीके की कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो ये स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, और भी इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है, काफ़ी कुछ इससे होप है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में आया इसके बारे में, एंड ऑफ कोर्स मैं कोई यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा अगर आपको उसको डिटेल में जानना है तो आप जाके बुक्स पढ़ सकते हैं, इस पर बहुत सारी बुक्स भी बनी हुई हैं, आप सर्च कर सकते हैं। मैं एक दो बुक्स का अगर हुआ तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके बुक्स को पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स बहुत सारे आप पढ़ सकते हैं, डॉक्टर से आप बात ज़रूर कर लें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डॉक्टर से भी इस पर ज़रूर बात कर लें। एंड येस, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके चार्जेस वगैरह क्या है और आपको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो ओके, तो गाइज इसको कराना जो है वो हमारे इंडिया में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा कम है, बट आपने सुना होगा फॉरेन में इस चीज़ का चलन बहुत ज़्यादा है, लोग स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कराते हैं, उनकी बैंकिंग करवाते हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक जैसे हम यू नो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, उसके लिए हम पैसा हर महीने पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करते हैं। अगर हम बीमार हो गए तब तो हमें बहुत सुविधा हो जाती है, बहुत आराम हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी हमारा सारा कुछ बेयर कर लेती है, लेकिन अगर हम बीमार नहीं हुए तो आप समझ लीजिए जो महीने के पैसे आपने भरे हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। तो लेकिन अब क्योंकि वो कभी जब नया आया होगा तो लोग नहीं इतना उसको फॉलो करते होंगे, बट आज की डेट में काफ़ी कॉमन हो गया। तो ये स्टेम सेल काइंड ऑफ उसी तरीके का है। इसमें भी क्या होता है कि इसको प्रिजर्व तब कराया जाता है कि भाई कभी
अनफॉर्चुनेटली कभी लाइफ में किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ तो ये सेल्स जो है, ये जो बैंकिंग हमने करा रखी है, इंश्योरेंस काइंड ऑफ करा रखा है, ये हमारे काम आ सकता है. लेकिन कोई भी चाहता नहीं है कि ऐसा हो, और ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में ऐसा कुछ हो. तो ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको ये प्रिजर्व करवाना है कि नहीं. और इसके चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो ये इनिशियली आपको एक डाउन पेमेंट का, जैसा आपको कुछ पे एक हेफ्टी अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ता है, एंड उसके बाद मंथली नहीं, इसकी ईयरली कुछ इंस्टॉलमेंट्स रहती है, वो करीब 5 से 10 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है अलग अलग बैंक्स पे क्या रहता है. तो एनुअली आपको ये करना पड़ता है. और इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम प्रिजर्व कराने के लिए जाते हैं, बेसिकली प्रिजर्व आप जब जाते हैं फर्स्ट टाइम इसको प्रिजर्व कराते हैं, देन फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में कुछ अलग आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है, हर साल आपको उतना पे करना पड़ता है. तो वो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है. और इनिशियली आपको करीब आई थिंक 50 हज़ार ऐसा कुछ रहता है जो आपको इनिशियली पे करना पड़ता है, डिपेंड करता है अलग अलग बैंक्स की स्कीम्स पे. तो वो आप देख सकते हैं. तो ये मतलब वैसे ही है जैसे इंश्योरेंस का मैंने बताया. तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं. सो बेसिकली इस जो लोगों के घर में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है जो कि आपके फैमिली में है, आपके मतलब जेनेटिकली कुछ चीज़ें ऐसी चली आ रही है कि लोगों को कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां हो रखी है, तो वो लोग चाहें तो उसको ज़रूर करवा सकते हैं. क्योंकि ऐसे लोगों के जो आगे कमिंग जनरेशन होती है उनमें चांसेस है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो वो लोग इस पे ज़रूर ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और बैंकिंग भी करवा सकते हैं. क्योंकि अगर उनके घर में उनको नहीं भी हुआ तो उनके किसी भी फैमिली मेम्बर को भी हुआ, तो ये जो आपने बैंकिंग करा रखी है स्टेम सेल्स की, ये फैमिली के कई लोगों को काम आ सकता है. तो उनके लिए बहुत मेरे को लगता है कि उनको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. उसके अलावा अपनी शांति के लिए कोई भी इसको करा सकता है, इसको कराने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो कन्फ्यूजन होता है कि इससे हमारी बॉडी को कुछ नुकसान होगा, हमारा कुछ लेके चले जाएंगे. प्लस थोड़ा सा ये पुराना भी चला आ रहा है ना कि ये जो नाल है, बच्चे की जो नाल है, उसको लोग ऐसे देते नहीं है किसी को, रखते हैं खुद के पास. जो भी उसके लॉजिक्स रहे हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये रीज़न की वजह से लोग ये बैंकिंग नहीं करवाते हैं. लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसके बारे में रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि ये उतनी बुरी चीज़ नहीं है. एंड अपनी अपनी चॉइस है, आपको अगर सही लगता है तो आप करा सकते हैं, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है. और अगर नहीं भी कराते हैं तो भाई जैसे ज़िंदगी चल रही है वो तो चल ही रही है. तो यस, ये था आई थिंक मैंने सारी चीज़ें जो मुझे पता थी वो मैंने बता दी हैं. अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं अपना डिसीजन लेने से पहले, एक डॉक्टर से अच्छे से बात ज़रूर कीजिए, उनसे जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए, और एक अच्छे बैंक में जा करके आप बैंकिंग करवा सकते हैं. अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए. बिकॉज मैं यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़े, एंड वो तभी हो पाएगी. मैंने तो कॉन्टेंट क्रिएट कर दिया है, लेकिन इस कॉन्टेंट को लोगों तक पहुँचाना, अवेयरनेस फैलाना, ये हम सब का काम है. तो आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं शेयर का बटन प्रेस करके, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेग्नेंट नहीं है, सभी को शेयर कीजिए. क्योंकि एक ऐसा डिसीजन होता है ना, ये फैमिली डिसीजन होता है, तो सबको इस बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. तभी ये एक माँ का काम नहीं है इसको डिसाइड करना, ये फैमिली का काम है. तो फैमिली तभी कर पाएगी ये चीज़ जब सबको अवेयरनेस होगी, सबको इस बारे में जानकारी होगी. सो यस गाइज, ये था आज का वीडियो. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.